जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात का एक ही क्यों ना बजा हो। निधि यादव कक्षा 11 के द्वारा ये सुंदर सा विचार लिखा गया, जोर क्लब कीजिए सभी लोग। अभी आज जिन बालिकाओं ने प्रेयर की है, बहुत शानदार लय में की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां दीजिए सभी लोग। आज के सुविचार पे आइए ध्यान देते हैं। लिखा है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के नाते आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में होना चाहिए और आई थिंक पढ़ाई में होगा भी। तो कहने का तात्पर्य यह है, पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को मालूम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है और नजदीक आने के साथ साथ बार बार हम इस बात पे हमने आपको इंगित किया है कि हम अगर अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो रियली बहुत बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 24 आवर्स होता है, सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन उन्हीं में बहुत सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है, ऐसा भी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि टाइम का मैनेजमेंट उन बच्चों ने ठीक से किया जिन्होंने टॉप किया, और उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था जो असफल हो गए या कम मार्किंग प्राप्त कर पाए। इसलिए अभी हमारे पास समय है, समय रहते अगर हम टाइम का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर लेंगे और बेहतर तरीके से सब्जेक्ट वाइज बेहतर स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे पाएंगे और अपने परिवार विद्यालय का नाम रोशन कर पाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, एक बालक थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, तो ये एक बात सोचिए, आने वाले समय में आप में से बहुत सारे बच्चे सेना में भर्ती होंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में आप सभी लोग जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करेंगे। और ऐसे में सोचिए, अगर आप आर्मी में जाएंगे तो फिर इतना कमजोर बन के जाएंगे क्या? और इसमें सीधा सा मतलब यह है कि आपका खान पान पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे खाली पेट विद्यालय आते हैं, 10 बजे का विद्यालय है, 10 बजे बहुत आराम से, मुझे लगता है सभी घरों में नाश्ता तो तैयार हो ही जाता होगा और लंच आप सभी लोग लाया करिए, तो कम से कम नाश्ता तो करके आना ही चाहिए। और खाली पेट आप पाओगे, स्वाभाविक सी बात है कि बॉडी उतना आपको नहीं सपोर्ट कर पाएगा। तो ध्यान देना है इस बात को आप सभी को, जब आप विद्यालय आए कम से कम नाश्ता जरूर करके आए, क्योंकि दूसरा ये है कि जैसे एक हम लोग कहते हैं मिल्क जो होता है कंप्लीट फूड होता है, उसमें विटामिन भी होता है पर्याप्त मात्रा में, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो दूध हर स्टूडेंट के लिए भी यह जरूरी है, लेकिन जनरल तौर पर देखा गया है एमडीएम में भी दूध दिया जाता है हर गुरुवार को, लेकिन बच्चे जो है जैसे ही दूध लेकर हमारी रसोईया लोग पहुंचते हैं तो बच्चे भागना शुरू करते हैं। ये सही कंडीशन नहीं है, ये तो 6-7-8 की बात रही, लेकिन आप सभी लोग स्वयं से नियमित इस तरह का एक रूटीन बनाए कि कम से कम एक गिलास दूध डेली आपको लेना ही लेना है मैक्सिमम, क्योंकि हम सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में दूध की व्यवस्था लगभग सभी के यहाँ होती है, गाय भैंस रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बोल ले सकते हो। आपका स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तभी आप बेहतर स्टडी कर पाएंगे, बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसलिए प्लीज इस बात को मेरा एक सलाह समझकर जरूर मान लीजिए, तो मुझे लगता है आप स्वस्थ रहेंगे और बेहतर रिजल्ट आप देंगे। दूसरी बात, आप सभी को मालूम है अध्ययन अध्यापन के दौरान सभी विद्यालय के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं ऑन रहते हैं, और ऐसे में आपके विद्यालय में जो भी क्लासरूम के अंदर जो भी गतिविधियां हैं वो सारी कैद होती है, सारी हम ऑफिस में बैठकर देखते हैं। ऐसे में आप सभी को इस बात पर ध्यान देना है कि वो जो समय 5 घंटे का समय जो विद्यालय में आप दे रहे हो वो वास्तव में आप पढ़ाई के लिए समर्पित कर रहे हो या सिर्फ बातचीत के लिए रखे हुए हो, ये बात आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप दंड के भागीदार भी बन सकते हो। तो इसलिए प्लीज सभी बच्चे इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि आप क्लास में जरूर बैठे हो लेकिन वो सारी गतिविधियां आपकी देखी जा रही होती है। इसी सूचना के साथ आप प्रार्थना सत्य यही पे साफ करते हैं, आप सभी टंक को धोकर अपनी अपनी कक्षाओं की नोट करें। थैंक यू।